चुनाव जीतने पर विरोधियों ने फंसाया है न उसका फिंगर प्रिंट हुआ है न उसका डीएनए टेस्ट हुआ है किसका है खोपड़ ये भी तो दिखाएंगे क्या इंसानियत का स्तर इतना गिर सकता है कि, कि किसी व्यक्ति को मारने के बाद उसके शरीर के अंगों का सूप बनाकर कोई भी पी सकता है यह घटना उस वक्त के इलाहाबाद यानी के प्रयागराज की है जो वाकई में हम सभी को हैरान करती है बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में बिल्कुल आखिर तक हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो गिरती मानवता के एक अनछुए पहलू को आपके सामने रखने जा रही है यूपी के इलाहाबाद के रहने वाले धीरेन्द्र सिंह पेशे से पत्रकार थे जो की एक हिंदी दैनिक अखबार आज के लिए पत्रकारिता किया करते थे थे। दिसंबर साल 2000 में धीरेन्द्र सिंह दो दिनों से घर नहीं लौटे पत्रकार होने के नाते वो अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहा करते थे इसलिए उनके घर वालों ने सोचा कि शायद वो किसी काम के चलते बाहर गए होंगे लेकिन जब समय ज्यादा बीत गया वो नहीं आए और ना तो धीरेन्द्र सिंह की कोई खबर आई न ही उनका कोई फोन आया तो घर वाले चिंतित हो उठे घर वालों ने अपने स्तर पर उन्हें ढूंढने की कोशिश की उन्हें फोन लगाने की कोशिश की लेकिन उनका फोन भी नहीं लग रहा था परेशान होकर उनके घर वाले सत्रह दिसंबर को कीटगंज पुलिस स्टेशन पहुंचे और उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई मामला एक पत्रकार से जुड़ा हुआ था इसलिए पुलिस भी तत्काल हरकत में आ गई और काफी सरगर्मी से उनकी तलाश शुरू हो गई धीरेंद्र सिंह के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल निकलवाई गयी उस कॉल डिटेल में जो आखिरी नंबर शो हो रहा था वो एक लैंडलाइन नंबर था जिस पर उनकी आखिरी बार बात हुई धीरेन्द्र सिंह से सोलह दिसम्बर की रात बारह बजे इस नंबर आरोप बातचीत की गयी पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही थी की आखिर ये नंबर किसका है और इतनी रात को वो कौन सी जरूरी बात थी जो उनसे ही की गई पुलिस ने पता लगाया तो वो नंबर प्रयागराज के छिवंकी की रहने वाली एक महिला फूलन देवी का निकला फूलन देवी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में ड्राइवर राजा कलंदर की पत्नी थी और अपने क्षेत्र की जनपद पंचायत सदस्य भी पुलिस की टीम चौकी पहुँच कर फूलन देवी और उसके पति ऐसी पूछताछ करने लगी फूलन देवी ने किसी धीरेन्द्र सिंह को जानने ऐसी साफ साफ इनकार कर दिया लेकिन उनके पति राजा कलंदर का कहना था की उनके पत्रकार धीरेन्द्र सिंह से अच्छे संबंध है और 16 दिसंबर की रात उन्होंने ही केवल उनका हालचाल लेने के इरादे से फोन किया था फूलन देवी और उनके पति के जवाब को सुनकर पुलिस वापस लौट आई लेकिन वो उनके इस जवाब से संतुष्ट नहीं थी हालांकि इसके बावजूद पुलिस ने धीरेन्द्र सिंह के विरोधियों और दुश्मनों के साथ साथ हर उस पहलू पर जांच की जहां से धीरेन्द्र सिंह का पता लग सकता था लेकिन जब पुलिस को कहीं से कोई सुराग नहीं मिला तो फाइनली उनके संदेह की सुई फूलन देवी के पति राजा कलंदर पर आकर टिक गई पुलिस ने फूलन देवी के पति राजा कलंदर की पूरी कर्म कुंडली खंगालने का फैसला किया पुलिस के शक की एक वजह यह भी थी कि आखिर कोई रात के 12 बजे किसी पत्रकार को कोई केवल हालचाल लेने के इरादे से क्यों फोन करेगा पुलिस की जांच में यह बात सामने आई कि राजा कलंदर अपराध की दुनिया में सक्रिय भूमिका निभाता है उसका असली नाम राम निरंजन है इतना ही नहीं उसकी पत्नी का भी असली नाम फूलन देवी नहीं था बल्कि शादी के बाद उसने ही अपनी पत्नी का नाम बदलकर फूलन देवी रख दिया राजा कलंदर के दो बेटे थे एक बेटे का नाम उसने अदालत रखा और दूसरे बेटे का नाम जमाना अपने शक को यकीन में बदलने के लिए पुलिस ने राजा कलंदर और उसकी पत्नी फूलन देवी दोनों को हिरासत में ले लिया और उसने सख्ती से पूछताछ शुरू की पुलिस की सख्ती के आगे राजा कलंदर की सारी हेकड़ी निकल गई वो पुलिस को सच्चाई बताने के लिए राजी हो गया लेकिन उसने पुलिस के सामने राज खोलने से पहले दाल पीने की शर्त रखी उसकी शर्त बड़ी अजीब थी लेकिन पूरी की जा सकती थी इसीलिए पुलिस ने इस पर एतराज नहीं किया दाल पीने के बाद राजा कलंदर ने जिस रहस्य को पुलिस के सामने रखा उसे सुनने के बाद पुलिस वालों के भी रोंगटे खड़े हो गए पुलिस को राजा कलंदर ने बताया कि वो एक ऐसे गिरोह का संचालन करता है जिसके लोग हाईवे से गुजरने वाली गाड़ियों को लूट लेते हैं और उनके ड्राइवरों की हत्या कर देते थे वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में ड्राइवरी की नौकरी करने के साथ साथ पत्नी की राजनीतिक रसूख का भी फायदा उठाता था और इस तरह के अपराध को अंजाम दिया करता था लेकिन पत्रकार धीरेन्द्र को उनके इस काले कारनामे की भनक लग गई और उन्हें डर था की अगर धीरेन्द्र सिंह ने सबूतों के साथ इस खबर को अखबार में छाप दिया तो इनके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। बस इसी इरादे से उन्होंने 17 दिसंबर की रात धीरेन्द्र सिंह को अपने पिगली स्थित फार्म हाउस में बुलाया जैसे ही धीरेन्द्र सिंह अपनी बाइक से उस फार्म हाउस पर पहुंचे तो उसने सबसे पहले बैठा आग तपने के लिए ऑफर किया धीरेन्द्र सिंह आग के पास बैठकर अपनी ठंडक को गर्माहट में बदलने की कोशिश कर ही रहे थे कि तभी राजा कलंदर के साले वक्ष राज ने उन्हें पीछे से पीठ में गोली मार दी पत्रकार धीरेन्द्र सिंह की उसी समय मौत हो गई इसके बाद दोनों उनके शव को लेकर उसके टुकड़े करने लगे उसके टुकड़ो को पॉलिथीन में भर दिया गया फिर उस पॉलीथीन को टाटा सुमो में लेकर ठिकाने लगाने के लिए मध्य प्रदेश के रीवा जिले में आ गए और यहाँ उन्होंने टुकड़ो को फेंक दिया राजा कलंदर ने बताया कि धीरेंद्र सिंह की बाइक को वो बनारस ले गया और वहां उसने अपने समधी को दे दिया और उनके जूते अपने साले बक्षराज को दे दिए पुलिस ने राजा कलंदर और बक्षराज को गाड़ी में बैठाया और रीवा जिले में उस स्थान पर लेकर आए जहां धीरेन्द्र की लाश के टुकड़े फेंके गए पुलिस ने वहां से धीरेन्द्र सिंह के शरीर के अवशेष प्राप्त किए और उनकी पहचान की धीरेन्द्र सिंह के परिवार वालों के जरिए ये पहचान करा दी गई जिस टाटा सुमो में इस लाश को ठिकाने लगाया गया था वो टाटा सुमो भी मेरठ के एक युवक को मारकर उससे छीनी गई थी इसके बाद पुलिस राजा कलंदर के पिगली फार्म हाउस पर पहुंची जहां उसने अपनी छानबीन शुरू की इस फार्म हाउस में एक पेड़ था उस पेड़ की डालियों से इंसान की खोपड़ियां लटक रही थी हर एक खोपड़ी पर अलग अलग रंग चढ़ा हुआ था और उस पर उनकी जातियों का नाम लिखा गया था यानी जो खोपड़ी जिस जाति के व्यक्ति की थी उसकी जाति का नाम खोपड़ी पर लिखा गया फार्म हाउस की तलाशी में पुलिस के हाथ एक ऐसी डायरी लगी जिसमें राजा कलंदर के जुर्म और घटियापन की कलई खोलकर रख दी गई उस डायरी में अलग अलग लगभग चौदह लोगों के नाम थे जिनमें से आखिरी नाम पत्रकार धीरेन्द्र सिंह का था उसने सबसे पहले अपने साथ काम करने वाले कालीचरण श्रीवास्तव को अपना शिकार बनाया राजा कलंदर का मानना था की कायस्थ जाति के लोग बहुत ही बुद्धिमान होते हैं इसीलिए उसने कालीचरण को अपना शिकार बनाया कालीचरण को उसने अपने फार्म हाउस पर बुलाया उसकी हत्या की और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया धड़ के अलग अलग टुकड़े करके कुछ टुकड़ों को फार्म हाउस के अंदर और कुछ टुकड़ों को बाहर जमीन के नीचे दफना दिया इसके बाद उसके सिर से उसका बाहर निकला और उस का सूप है राजा कलंदर के बचपन के समय से बचपन में राम निरंजन यानी कि राजा कलंदर काफी भूनु किस्म का इंसान था पढ़ने लिखने में कुछ खास नहीं मगर उसके दिमाग में ये बात बैठ गई की लोग बुद्धिमान और पढ़े लिखे लोगों को अपने सिर माथे पर बिठाते हैं उनकी काफी इज्जत करते हैं, वो चाहता था कि लोग उसकी इसी तरह से रखा ताकि उसे इस बात का एहसास हो सके कि वो अदालत और जमानत दोनों का बाप है और ये दोनों उसकी मुट्ठी में है क्योंकि वो राजा है इसके बाद उसके दिमाग में ऐसा फितूर आया जिसने उसे इंसान से शैतान और शैतान उसने हैवान मणा दिया उसे लगता था कि अगर वो बुद्धिमान लोगों का भेजे का सूप पिएगा तो दुनिया का सबसे बुद्धिमान इंसान बन जाएगा वो समाज से चुन-चुनकर इंटेलेक्चुअल और अच्छे लोगों को धोखे से अपने फार्म हाउस पर बुलाता उनकी हत्या करता हत्या करने के बाद उनकी खोपड़ी अलग कर देता उसके बाद अपने उस फार्म हाउस में राजा की तरह कुर्सी पर बैठ जाता और उस खोपड़ी पर मुकदमा चलाया जाता जहां वो खुद ही जज था खुद ही वकील और खुद ही आरोप लगाने वाला इसके बाद खोपड़ी का फैसला सुना था

पुलिस ने कालीचरण श्रीवास्तव मोइन अशोक संतोष के साथ कई और खोपड़ियां बरामद की राजा कलंदर ने पहली बार साल उन्नीस में कत्ल किया और उसका आखिरी शिकार साल 2000 में पत्रकार धीरेन्द्र सिंह था अदालत में 12 साल तक इन दोनों के मामलों की सुनवाई चली जिसमें अदालत ने इनके द्वारा किए गए क्राइम को रेयरेस्ट ऑफ रेयरस्ट माना और दोनों को उम्र कैद की सजा दी फिलहाल दोनों जेल में बंद हैं और अपनी सजा भुगत रहे हैं ऐसे दरिंदों पर आपकी राय का इंतजार हमें रहेगा कॉमेंट बॉक्स में आज के लिए इतना ही धन्यवाद